में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रेष्ठ माना गया है, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण यानी ठाकुर जी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार से पहले अलीगढ़ में राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्तियों की मांग बढ़ने से मूर्ति कारोबार से जुड़े कारोबारियों और कारीगरों के चेहरे पर रौनक आ गई है। मूर्ति कारोबारी कपिल वार्ष्णेय ने बताया, कारोबार में इस वक्त लड्डू गोपाल की धूम मची हुई है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लड्डू गोपाल की डिमांड रहती है। इस मौके पर हर कोई चाहता है कि अपने घर में लड्डू गोपाल को सजाया जाए। खास बात यह है कि यहाँ देश के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा नेपाल, वियतनाम, सिंगापुर और यूएस में भी इन मूर्तियों के ग्राहक हैं। कारोबार इस समय लड्डू गोपाल जी की कही जाए तो धूम मची हुई है, क्योंकि हमारा जो पर्व है सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ पर्व माना गया है, जो कि हमारा जन्माष्टमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, ठाकुर जी का जन्म हुआ था, तो इस समय सबसे ज़्यादा क्या है कि पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया और बाहर भी, विदेशों में भी लड्डू गोपाल की ज़्यादा डिमांड रहती है और मांग रहती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने घर में लड्डू गोपाल को सजाया जाए। जैसे आपने देखा होगा जगह जगह हिंडोले सजाए जाते हैं, तो इसलिए सब जगह अपने घरों में लड्डू गोपाल की ज़्यादा डिमांड रहती है। किस तरह के लड्डू गोपाल? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ब्रास का ही बनता है, ओरिजिनल ब्रास हम लोग यूज़ करते हैं, तो पीतल के ही हम लोग बनाते हैं। पीतल के लड्डू गोपाल शुद्ध माने गए हैं। हमारे पास पूरा ऑल ओवर इंडिया का ऑर्डर है, फिर बाहर विदेश में नेपाल है, अपना ये वियतनाम है, सिंगापुर है, और यूएस में भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो जो भी एनआरआई हमारे बाहर रहते हैं विदेश में, सब लोगों की डिमांड रहती है। अगर बात करें मूर्ति के पूरे कारोबार की, तो इससे लगभग 5000 परिवार जुड़े हुए हैं। वहीं मूर्ति कारीगरों का कहना है कि इस वक्त जन्माष्टमी के त्योहार को देखते हुए लड्डू गोपाल बना रहे हैं, जिसकी अच्छी खासी मांग है। देश विदेश से हमारे मालिक को ऑर्डर मिल रहे हैं, हमें अच्छा काम मिल रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है, मजदूरी अच्छी मिल रही है और हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है। मैं तकरीबन, मुझे 5 से 6 साल हो गए इस काम को करते हुए, और मैं रिताई का काम करता हूँ, पॉलिश का भी हमारे यहाँ कारोबार काम होता है, बहुत से लोग लगे हुए हैं। मैं इस समय लड्डू गोपाल बना रहा हूँ, और जो इस समय जन्माष्टमी का जो त्यौहार आ रहा है, इसमें काफ़ी डिमांड है और देश विदेश से भी इसके ऑर्डर आ रहे हैं। हमारे हाँ काम अच्छा मिल रहा है, हमारे सर बता रहे थे कि देश विदेश से भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई, मजदूरी अच्छी मिल रही है और अपना कारोबार सही चल रहा है। हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, काम खूब सही है, लड्डू गोपाल का खूब काम चल रहा सही है, और जन्माष्टमी का टाइम आया है तो यहाँ पे अब ऑर्डर सही मिल रहे हैं हमारे लिए। लेकिन काम हम मूर्तियों पर पॉलिश करते हैं और पुछाई उछाई है जो हमारे जो हाँ साफ करते हैं, हम फिनिशिंग करते हैं, फिनिशिंग करके नहीं यहाँ से भेजते हैं। फिर कैसा ऑर्डर है? काम ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है, हमारा खूब अच्छा है, बहुत बढ़िया है।